वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन है उससे दबा दें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ठीक उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें। इससे मैं अपने आने वाले नए वीडियोज आप तक आसानी से पहुँचा पाऊंगा। दोस्तों आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, इन सब टॉपिक पे मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं और हो सकता है ये वीडियोस आपके काम आए। आप यहां से इसे फ्री में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप ने अपना एक नया फीचर व्हाट्सअप स्टोरी व्हाट्सअप में ऐड किया है तो मैं यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में व्हाट्सअप सर्च करना है, सर्च करके उसे ओपन करना है। वैसे तो ऑटोमेटिकली अगर आप ऑटोमेटिकली मोड पे हैं तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया होगा, अदरवाइज नहीं तो आप मैनुअली भी आप इसे अपडेट कर सकते हैं। और अपडेट के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका ये कौन सा वर्जन है, जो है वो है 2.17.79। लास्ट जो अपडेटेड है वो 25th 2017 है। ये फीचर आपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में भी यूज़ किया होगा, ये शायद वहीं से इंस्पायर्ड है। आफ्टर अपडेट्स आपको यहाँ पे कॉल्स और चैट के बीच में स्टेटस स्टोरीज का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पे आपको अपडेट, अगर आपको कोई स्टोरी अपडेट करनी है तो आप सिंपल से आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं, GIF अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप जैसे कुछ भी अगर स्टेटस अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ एडिटिंग ऑप्शन भी मिल जाते हैं सिंपल से, जो आपको कलर भी देते हैं और कुछ आप यहाँ पे कैप्शन भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और जो भी आपको कलर चूज़ कर सकते हैं। और आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सी मल्टीपल कलर्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे इमोजी भी चूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। और देखिए डिफरेंट टाइप्स के इमोजी हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। एक जो कमी है वो यहाँ पे आप फिल्टर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मे बी शायद वो अभी जल्द ही आ जाए। तो इमोजी आप यूज़ कर सकते हैं और फुल लुक दिखने के लिए। और आपको अगर कुछ हाईलाइट का कुछ करना है तो आप उसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ डिलीट करना है तो आप इसे अनडू भी कर सकते हैं साथ ही साथ देखने के लिए, ये देखिए। और इसे आप सीधे के सीधे आप अपने व्हाट्सएप जो लाइव टाइमलाइन है आप उसे अपडेट कर सकते हैं, ये देखिए ये अपडेट हो गया। और आप ये एक 24 घंटे के अंदर अंदर डीएसएपीआर हो जाएगा 24 घंटे के बाद, जो अगर कोई फ्रेंड इसे 24 घंटे के बाद देखेगा तो नहीं दिखेगा उसे सिंपल। और नीचे ये इंडिकेशन भी दिखाई देता है कि आपकी व्हाट्सएप स्टोरी कितने किस किस ने वॉच की है सिंपल, जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है आपको वो भी यहाँ पे दिखा देता है। सिंपल सी बात है। ये सेम फीचर आपको इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में भी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही कूल और बहुत ही बढ़िया फीचर है मेरे हिसाब से, तो जो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और आप यहाँ से अपने दूसरे फ्रेंड्स की जो आपके कॉन्टेक्ट्स में फ्रेंड हैं आप उनकी टाइमलाइन भी, आपकी स्टोरीज भी वॉच कर सकते हैं, क्या क्या उन्होंने क्या क्या अपडेट किया है क्या क्या नहीं। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे हैप्पी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव्स अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल